जय माता दी आप सभी को। जैसे कि आप सब जानते हैं कि वैष्णो देवी की चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा लंबी है और थका देने वाली। यहाँ रोज बहुत से भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं, तो श्राइन बोर्ड ने यहाँ पर कुछ ऑनलाइन फैसिलिटीज़ भी शुरू कर रखी हैं जिनका हम लाभ उठा सकते हैं, लेकिन उनका यूज़ करने के लिए हमारे को एक प्रॉपर मेथड पता होना चाहिए क्योंकि भीड़ बहुत है और फैसिलिटीज़ बहुत कम है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो फैसिलिटीज़ कैसे ले सकते हैं। ऑनलाइन फैसिलिटीज़ इन वैष्णो देवी। सबसे पहले आपको श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर अपने आपको रजिस्टर करना होगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि आप कौन सा ब्राउज़र यूज़ करना चाहेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स ही यूज़ करें क्योंकि वो थोड़ा स्पीड में आया रहता है। सबसे पहले आप गूगल पे जाके लिखिए matavaishnodevi.com। श्राइन बोर्ड की वेबसाइट खुलने के लिए आपके पास दो लिंक आएंगे, एक ऑफिशियल वेबसाइट का मेन लिंक है, एक ऑनलाइन सर्विसेज का डायरेक्ट लिंक है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं। हम ये ऑफिशियल वेबसाइट का मेन पेज है। हम सबसे पहले ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करते हैं। राइट हैंड साइड में टॉप पर ऑप्शन है ये। वहाँ जाने के बाद हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस देख सकते हैं जो कि यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज लिखी हुई हैं। मैं आपको बोलता हूँ कि आप इनको पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनको पक्का पढ़ लीजिएगा बिकॉज कई बार ये आपकी ऑनलाइन सर्विसेज लीव ही कैंसिल हो जाती हैं और उसके बाद उसका रिफंड भी नहीं मिलता। उनमें से मैं एक आपको ध्यान दिलवाना चाहूँगा जो कि सबसे पहली है, जिस कार्ड से आपकी ट्रांजैक्शन हुई है या जो आपने आइडेंटिटी कार्ड वहाँ लिखवाया है वो लेके जाइएगा, क्योंकि ये वेरी स्ट्रिक्ट हैं इस चीज़ के साथ, इस रूल को ये बहुत फॉलो करते हैं। एंड बाकी एक कार्ड पर आप 5 बंदे लेके जा सकते हैं, चाहे वो आरती हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, कुछ भी हो। एक बार ध्यान से पढ़ लेने के बाद आप टर्म्स एंड कंडीशन के लोग एग्री कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करने के बाद आप न्यू यूज़र साइन अप पे क्लिक करें। उसके बाद एक पेज खुलेगा, आपको उसमें पहले ही लिखा हुआ मिल जाएगा कि यदि आपकी कोई भी वैल्यू गलत होगी तो हम उसको डीएक्टिवेट कर देंगे उस अकाउंट को, और इसमें आप अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी डालिएगा। अपने एक यूज़र नेम डालिए, ये सॉफ्टवेयर अपने आप वेरीफाई कर लेगा कि वो किसी और ने लिया है या नहीं। अगर किसी और ने लिया होगा तो आपको भी ट्राई करने के लिए बोलेगा, जैसे कि इस केस में। तो आप अपना मोबाइल नंबर भी कुछ भी डाल के अपने यूज़र नेम बना सकते हैं। बस जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालिएगा वो बहुत ध्यान से डालिएगा। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने पेट नेम चूज़ किया, देर आर मैनी, लाइक आपका पहला स्कूल कौन सा था, पहली बाइक कौन सी थी, बहुत क्वेश्चन हैं, आपके फादर का मिडिल नेम क्या है, लाइक दैट। Give your answer according to it and just remember it, because ये अगर आप अगली बार पासवर्ड भूल जाए तो ये याद कराने में हेल्प करेगा, तो आप इसको ध्यान से डालिए। फर्स्ट नेम में आपका नाम आएगा, लास्ट नेम में आपका सरनेम आएगा, जेंडर मेल और फीमेल एज यू आर। देन कम्स योर मैरिटल स्टेटस, मैरिड और अनमैरिड। डेट ऑफ बर्थ में आप ईयर पे क्लिक कीजिए, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड एरोस को क्लिक करके आप ईयर्स देख सकते हो, और उसके बाद मंथ एंड डे। ऑक्यूपेशन में आप ध्यान से सिलेक्ट कीजिए कि आप क्या जॉब करते हैं, आर यू स्टूडेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल, पब्लिक, प्राइवेट और गवर्नमेंट। बाद में ईमेल डाल दीजिएगा और अपना मोबाइल नंबर। नेशनैलिटी इंडियन, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं। अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ एड्रेस की 3 विंडोज दे रखी हैं। तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एड्रेस है 111 विद्याधर कॉलोनी, तो आप 111 एड्रेस 1 में लिखिए, एड्रेस 2 में विद्याधर लिखिए, एड्रेस 3 में कॉलोनी लिखिए, अदरवाइज ये सॉफ्टवेयर आपका एड्रेस पिकअप नहीं करेगा। सिटी में आप अपने शहर का नाम लिखिए, अगर आपके शहर का नाम नहीं आता है तो आप अपने आसपास के लिए किसी बड़े शहर का नाम लिखिए। स्टेट लिखिए, कंट्री को सिलेक्ट कीजिए, पिन कोड लिखिए, फ़ोन नंबर डालिए एंड जो अभी कोड है इमेज में उसको डाल के रजिस्टर कर दीजिए। आपकी रजिस्ट्रेशन ऐसे कंप्लीट हो जाएगी और 6 घंटे तक आपका वो आ जाएगा, और आने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं।
लॉगिन करने के लिए हम होम पेज पर वापस आ चुके हैं। हम ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद एक बार वही फिर आएगा, मैं आपको फिर बोलूँगा कि आप इन पॉइंट्स को प्लीज़ ध्यान से पढ़ लीजिएगा बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इवन दे कैन कैंसिल योर होल ट्रिप। तो इसको प्लीज एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। इन द होम पेज सेक्शन देयर इज डोनेशन की यात्रा पर्ची आप बुक कर सकते हैं। आरती के लिए, हेलीकॉप्टर के लिए, रूम के लिए, इंडिविजुअल पूजा और भेंट और प्रसाद के लिए आप बुक कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ रूम बुकिंग की वैष्णो देवी में। सो हम रूम बुकिंग के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। रूम बुकिंग का ऑप्शन मैं आपको बताना चाहूँगा कि रूम बुकिंग का ऑप्शन 60 दिन पहले खुल जाता है, 10 बजे खुलता है और पूरे 10 बजे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन आप पहले कर सकते हैं, 10 बजे आप रूम बुकिंग के इस ऑप्शन पे क्लिक करें, आएँ और रूम को क्लिक सिलेक्ट कर लें सो दैट कि आपको रूम मिल जाए। यहाँ पे रूम्स बहुत सारे डिफरेंट तरीके के हैं। रूम्स के ऊपर मैं वीडियो बाद में डालूंगा बिकॉज मैं बहुत से रूम्स में रह चुका हूँ। अगर आप थोड़े भी लेट होते हैं तो आपका रूम जा सकता है, जैसे कि मैं भी आपको दिखाता हूँ कि मैंने थोड़ा सा एक दिन लेट हो गया था तो आप कैन यू कॉन्ट बिलीव कि मेरे पास एक भी कमरा नहीं बचा था, ऑल वर फुल। एंड मैं ज़्यादा लेट नहीं हुआ था, आई वॉज जस्ट 5 मिनट्स लेट, मतलब कि मैं 10:05 पे आया था एंड एवरीथिंग वॉज फुल। 3 मिनट का टाइम होता है आपको रूम बुक करने के लिए। अगर आप 3 मिनट में आते हैं तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, अगर आप 3 मिनट के बाद आएंगे तो कुछ ऐसा, मतलब नॉट अवेलेबल, कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा। सो बी प्रिपेयर्ड, अपने इंटरनेट कनेक्शन सही रखें, पावर की सप्लाई सही रखें और जो ATP से पिन आना है ATM से आप उसको भी बैलेंस डलवा कर रखें बिकॉज ये छोटी बातें कई बार रह जाती हैं। जस्ट फिल इन योर डिटेल्स, द अकाउंट नंबर, बाकी सब वो अपने आप ही डिटेल कर लेगा बिकॉज आपने यूज़र ID में डाल रखा है। जस्ट नाउ पेस्ट द कोड ओवर हियर जो वहाँ पे लिखा हुआ है, यू जस्ट हैव टू पेस्ट इट, कॉपी एंड पेस्ट एंड नाउ यू हैव टू जस्ट गिव द बैंक डिटेल्स लाइक द ATM डिटेल्स। आप यहाँ पे HDFC बैंक और किसी भी बैंक के क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। जस्ट आपको कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे, से ज़्यादा मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लिखना तो पड़ेगा ही, कार्ड नंबर, यूज़र नेम, एक्सपायरी डेट एंड ऑल, एंड आफ्टर दैट आपके होम पेज पे कैसी ट्रांजेक्शन डिटेल आ जाएगी। बाई चांस अगर आपकी ट्रांजेक्शन डिटेल यहाँ पे नहीं आती है तो डरने की बात नहीं है, यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन का एक पेज है, वहाँ आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी ट्रांजेक्शन के रेट मिल जाएंगे। आफ्टर दैट यू कैन जस्ट गो एंड क्लिक ओवर द रूम बुकिंग, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द रीप्रिंट ऑप्शन एंड यू कैन फाइंड एनी बुकिंग डिटेल्स ओवर देयर। ये डिटेल्स मेरी हैं, ये भी मेरे को ट्रिप जाना है तो मैं इसको लीक आउट नहीं कर सकता हूँ, बट यू कैन सी हेयर भी, यहाँ पे भी रूल्स लिखे हैं तो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए। स्टे कनेक्टेड बिकॉज अभी मैं और वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग, आरती की बुकिंग, यात्रा पर्ची एंड पूजा की बुकिंग कैसे कर सकते हैं। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड आई होप यू लाइक इट। सो प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर।